Hello, my dear friends. This is Himani Singla and I welcome you all to my YouTube channel. सबसे पहले congratulations, happy new year to all of you. दो तीन दिन हो गए, मैं काफ़ी बिजी थी इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई, तो उसकी वजह से मैं आपको आज शुभकामनाएं दे रही हूँ नए साल की. जस्ट हैव योर गोल्स सेट फॉर न्यू ईयर एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और आज मैं जो लेक्चर 9 आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स. मैं चाहती हूँ कि आपका बहुत अच्छा वर्ड बन जाए इस टॉपिक पे. अगर आपको ये टॉपिक के बेसिक्स क्लियर हो गए तो आपको आगे चल के इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी हर एक टॉपिक के आगे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो ज़रूर होंगी उसमें, तो आपको उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी है. चलो हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल से जो है आज की वो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर की फर्स्ट एग्जांपल से. ये थोड़ी अलग है, इसमें ट्विस्ट है थोड़ा. इस एग्जांपल में हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम्पल क्या है. ठीक है, ओके. हियर दे आर सेइंग दैट वी आर हैविंग अ पॉइंट आर. अब हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे क्या है, दैट इज R. That is 30 mm above HP. सीधी सी बात है, इसने बता दिया हमें कि वो 30 mm की दूरी पे है HP पे. HP से 30 mm की दूरी और वो ऊपर की तरफ है. ऊपर की तरफ है, ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ कहीं पे भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है, आगे की तरफ भी हो सकता है, पर HP के ऊपर है. फिर उसके बाद आप देखिए ये 20 mm की लाइन के बाद ये बोल रहा है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब HP से 30 mm तो ये ऊपर है. मतलब हमारा पॉइंट, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पॉइंट कुछ इस जगह पे है. ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है इसका, इस पॉइंट का यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो डिस्टेंस है वो है 30 mm का और वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस हमें यहाँ पे नहीं गिवन. ठीक है, अब देखिए 20 mm फ्रॉम प्रोफाइल प्लेन, इसका क्या मतलब होता है. जब भी आपको ये लाइन लिखी हो दैट डैश डिस्टेंस फ्रॉम प्रोफाइल प्लेन, डैश डिस्टेंस वो कुछ भी हो सकता है 20, 15, 30, उसका मतलब होता है कि वाइजेड लाइन से जो हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू वाली वर्टिकल लाइन पे जो प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की, वो वर्टिकल लाइन की दूरी इस वाइजेड लाइन से कितनी है, वो है 20 mm. जो पहले हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 20 mm की दूरी पे है वाई जेड लाइन से, राइट. ये हमारे पास ये चीज जो है वो हो गई क्लियर. ठीक है, दिस डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड लाइन एंड द लाइन ड्रॉन वर्टिकली दैट इज 20 mm. दिस थिंग इज क्लियर. ठीक है, हमने क्वेश्चन का ये पार्ट जो है अब हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इस पे हमने काम कर लिया है. उसके बाद अभी काम करना रहता है इस पे 30 mm अबव HP, मतलब हमें ये डिस्टेंस जो है गिवन है. ठीक है ना, 30 mm अबव HP, दिस डिस्टेंस इज गिवन. ये जो डिस्टेंस है वो 30 mm है और ये डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ. अब हम इसकी व्यूज ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे तो आएगा ऑफकोर्स, जब हम ऑब्जर्वर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे तो आएगा इसका फ्रंट व्यू, इस जगह पे इसका आ गया फ्रंट व्यू. ठीक है, ऑब्जर्वर जब ऊपर होएगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, सपोज करो ये हमारा ऑब्जर्वर है और यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को, तो ऑफ कोर्स जो इसकी प्रोजेक्शन है वो इस प्लेन पे बनेगी. ये प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, जस्ट इसके नीचे बनेगी और वो प्रोजेक्शन का नाम क्या होगा, इसका टॉप व्यू. वो पता है कि जो फ्रंट व्यू है उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे आर डैश. ठीक है, ये आपका हो गया आर डैश. और आपको पता है जो टॉप व्यू होता है उसको हम सिंपल उसी लेटर की डोनेशन से नोट करते हैं, कोई वहां पे डैश नहीं लगती. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इसका टॉप व्यू है वो हो जाएगा आर. अब आपको पता है ये डिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस गिवन है तो मतलब कौन सा डिस्टेंस गिवन है, मतलब एक्स वाई लाइन से इसके फ्रंट व्यू का डिस्टेंस गिवन है, मतलब हमें ये डिस्टेंस given है, that is 30 mm. कितना हो गया अब ये distance? तो सीधी सी बात ये रही इसमें कि हमें front view का reference line, यानी कि xy line से distance 30 mm given है. हमें
अब हमें ये नहीं पता ये पॉइंट वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी पे है, मतलब हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, ये डिस्टेंस नहीं पता तो हम यहाँ पे टॉप व्यू नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे फ्रंट व्यू से। आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो क्लॉकवाइज घूम के नीचे की तरफ आता होता है, स्ट्रेट जब हो जाएगा तो आपको पता है जो ये व्यू है ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, ये नीचे की तरफ बनेगा और फ्रंट व्यू जो है ऊपर बनेगा। तो ये रही हमारी एक्स वाई लाइन, ये रही हमारी वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब यहां से कितने डिस्टेंस पे बनेगा आर डैश, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ऑफ कोर्स 30 mm के डिस्टेंस पे, दिस इज आर आर डैश, ये जो है हमारा आर डैश हो गया, ठीक है। और ये एक्स वाई लाइन से जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है 30 mm। चलो अब ये 30 mm वाली लाइन भी हम कट कर देते हैं बिकॉज हमने इस पे भी वर्क कर लिया। चलो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इस पे भी हमने काम कर लिया, ठीक है, ये तीन लाइंस जो है इन पे हमने काम कर लिया। अब क्वेश्चंस को जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो मेक श्योर दैट आप उस क्वेश्चन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो हमने तीन चीजें देखा, एक 30 mm अबव एचपी है, 30 mm जब उसने बोला कि अबव एचपी है तो हमें पता चल गया कि एक्स वाई लाइन से उसके फ्रंट व्यू का डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्शंस के हिसाब से हमने वो बना के देख लिया जो हमारी इमेजिनेशन है। ये तो मस्ट है डायग्राम, अगर आप इसको नहीं बनाओगे ना आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब इसको चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, चाहे आप इसको अपने ब्रेन में इमेजिन करो कि कैसे बन सकती है ये इमेजिनरी डायग्राम और कहाँ पे एक्चुअल में पॉइंट पड़ा हुआ है। हमें पता था, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, बट हमें ये डिस्टेंस तो पता है ना कि उसका पॉइंट का हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस क्या है। इनडायरेक्टली वो हमें बताना चाह रहा है कि उसके फ्रंट व्यू का आर जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट व्यू का डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से क्या है 30 mm। तो हमने वो भी ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पे जब डायमेंशनिंग करेंगे तो आप कैसे करेंगे, ये आपने ड्रॉ की यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, फिर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये जो लाइन है आपकी एक्सटेंशन लाइन की तरह ही काम कर रही है एक्स वाई वाली लाइन, और देन यू नीड टू ड्रॉ द एरोज। एरोज मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियोज में बताए हुए हैं कि जो भी टाइप आपको सूटेबल लगे एरोज की आप वो टाइप चूज कर लीजिए, और रेशियो क्या रखनी है एरोज की 3:1, ओके। यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि ये कितना है, दिस इज 30 mm, राइट, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई लाइन इज 50 mm। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब भी बात करते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मैथमेटिक्स में चले जाओ आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डायगोनल डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानते हैं या नहीं मानते हम, डायगोनल डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। सीधी सी बात है, एक्स वाई लाइन से इसने बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर फ्रॉम एक्स वाई लाइन इज 50 mm। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि जो साइड व्यू है, राइट, जो साइड व्यू है उसका डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से 50 mm है। ये हमारी एक्स वाई लाइन रही या नहीं, मेन रेफरेंस पॉइंट हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो साइड व्यू होता है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया कौन सा व्यू की बात कर रहे हैं, राइट साइड व्यू की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड व्यू की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता, तो हमें ये भी कंफ्यूजन होगी कि हम इस साइड व्यू बनाएंगे तो वो कौन सा बनेगा, वो राइट साइड व्यू बनेगा। अगर हम इधर वाइजेड लाइन ड्रॉ करके दूसरी साइड व्यू बनाते हैं तो वो कौन सा बनेगा, लेफ्ट साइड व्यू बनेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दिस केस, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब मेंशन ही नहीं किया कि कौन से व्यू की वो बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की तो बात कर रहे हैं एक्स वाई लाइन से, बट किस व्यू के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इधर द राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू, तो आप भी यहाँ पे अपनी मर्जी चला सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो है 30 mm, ठीक है, अब आप क्या करो, एक दायरा ड्रॉ कर लो यहाँ पे कि 30 mm की जो ऊपर ये हाइट है इसके बाहर तो जो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जा ही नहीं सकता। मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, फिर आपको इजीली जो है पता चल जाएगा। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 30 mm की हाइट पे है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो आपको मैंने वहां पे एक चीज बताई थी कि जो साइड व्यू है
वो हमेशा फ्रंट व्यू के एडजेसेंट बनता है, साइड व्यू इज आर डबल डैश, तो वो आर डैश के सामने ही बनेगा, सामने बनेगा मतलब इसके ना ही ऊपर बन सकता है, इसके ना ही नीचे बन सकता है, अगर बनेगा तो इस लाइन पे ही कहीं पे बनेगा, मतलब इसके सामने ही कहीं पे वो व्यू जो है बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इसने बोला हुआ है एक्स वाई लाइन से व्हाट इज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज एक्स फ्रॉम एक्स वाई लाइन इज 50 mm, ओके लेट्स ड्रॉ दैट डिस्टेंस। आप क्या करोगे इस केस में, यू टेक कंपस, कंपस लो, टेक योर रूलर, उसे मेजर करो 50 mm का डिस्टेंस, 50 mm इन सेंटीमीटर्स दैट इज 5 cm, 5 cm कंपस आप खोलो, जो कंपस का शार्प पॉइंट है यहाँ पे रखो और देखो वो 50 mm कहाँ पे कट कर रहा है। सपोज करो, हमने सपोज के लिए वो 50 mm यहाँ पे इसको कट कर गया और आपकी जो आर्क लगेगी वो कैसे लगेगी, फिर आपकी जो आर्क लगेगी वो यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपकी जो है आर्क लगेगी, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितने का हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपका 50 mm का, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका हो गया 50 mm का डिस्टेंस हो गया, ये आपका थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया, आप इसको देख लीजिए, दिस डिस्टेंस इज 50 mm, देखो वही लाइन हम उसी अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं, इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई लाइन, जब ये एक्स की बात कर रहे हैं मतलब ये पॉइंट आर की बात कर रहे हैं। अब आप देखो पॉइंट आर का तो ये डिस्टेंस नहीं बता रहा होगा, ऑब्वियसली घूम फिर के ये उसके साइड व्यू का डिस्टेंस बता रहा है, यहाँ पे साइड व्यू मेंशन नहीं किया कौन सा है, तो हमने भी अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। तो ये फाइनली जो हमारे पास ये पॉइंट आया है, हमने देख लिया कि इस लाइन को 50 mm यहाँ पे कट कर रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता, हम उस अकॉर्डिंग मेजर कर लेंगे कि ये लाइन को 50 mm कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ दिस इज आर डबल डैश, ठीक है। अब आप समझ रही हैं, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ये उसका एक तरीके से रिवर्स है, ठीक है। हम उसमें क्या करते थे, पहले हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते थे, उसकी हेल्प से यहाँ पे 45 degree की लाइन लगा के फिर हम एक्सटेंड करके लाइंस को फाइनली वी रीच टू द साइड व्यू, बट यहाँ पे उल्टा है, पहले हमने साइड व्यू बनाया उसके बाद हम इसके टॉप व्यू पे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे देखते हैं। अब आपको पता है ये जो है इस कंपार्टमेंट पे बनेगा 45 degree का, 45 degree के एंगल पे एक लाइन, ठीक है। तो मैंने 45 degree के एंगल पे यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी, कितने एंगल पे आप मेजर कर लेना, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, बट यू हैव टू मेजर इट, आप यहाँ पे अपनी डी रखोगे ऐसे करके, यहाँ पे डी रखोगे और यहाँ पे 45 का मार्क लगा के वहां पे लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये जो है आपके एंगल, दिस एंगल इज 45 degree। अब नाउ रिवर्स स्टार्ट करते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम, ठीक है ना, इस पॉइंट से लेट्स मार्क द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी, ओके, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मार्क करी है वो इस 45 डिग्री की लाइन को इस पॉइंट पे कट करी है, तो यहाँ से फिर एक लाइन लो, यहाँ से एक लाइन लो आप और यहाँ एग्जैक्टली। अब ये जो पॉइंट है फाइनली, ये जो पॉइंट हमारे पास अब पॉइंट आया है जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस वर्टिकल प्रोजेक्शन वाली लाइन को कट कर रही है, दिस इज फाइनली आवर टॉप व्यू, ये हमारा बन गया टॉप व्यू। देखो टॉप व्यू का डिस्टेंस गिवन नहीं था, तो हम पर टॉप व्यू का अगर डिस्टेंस गिवन नहीं था तो यहाँ पे 50 mm तो गिवन था ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो गिवन था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनडायरेक्टली मीन्स द डिस्टेंस ऑफ साइड व्यू फ्रॉम एक्स वाई लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन था तो हम इनडायरेक्टली उससे जो है वो टॉप व्यू पे चले गए। एग्जैक्टली आपको जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से ही करने हैं, अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन है, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू से में से एक चीज गिवन है, तो आप इजिली थर्ड व्यू ड्रॉ कर सकते हो। सो फाइनली जो आपको ड्रॉइंग शीट पे बनाना है वो इस तरीके का व्यू बनाना है जो मैंने अब बनाया है फाइनली, ठीक है। आप देखो मेजरमेंट आप क्या का इसमें मेंशन करोगे, 30 mm, क्योंकि क्वेश्चन में 30 mm मेंशन था, तो आप 30 mm दिखाओगे डायमेंशन लाइन से, यहाँ पे आप 50 mm, मैंने जैसे 50 mm लिखा है वैसे नहीं, आप ऐसे करोगे, आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन लगाओगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे भी एक एक्सटेंशन लाइन लगाओगे, ठीक है,
फिर आप यहाँ पे डायमेंशन लाइन लगाओगे इस तरीके से, एंड एट द एंड यू विल ड्रॉ द एरोज ओवर हेयर, राइट। आप यहाँ पे एरोज ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये सब कुछ आपको 3H पेंसिल से ही करना है, मतलब लाइट पेंसिल, बट दीज थ्री पॉइंट्स आर डबल डैश, आर डैश एंड आर, दीज शुड बी डार्क, मीन्स यू हैव टू यूज एच पेंसिल ओवर दीज पॉइंट्स, राइट। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सब कुछ सॉल्व हो गया, टॉप व्यू बन गया, फ्रंट व्यू बन गया, साइड व्यू ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। एक बार नहीं समझ आया दूसरी बार करो प्रैक्टिस, एंड यू शुड वॉच द वीडियो कम्प्लीटली, पूरी वीडियो देखो तभी अच्छे से समझ लगेगा। एक बार में अगर आप गिव अप कर दोगे कि नहीं अब हमें समझ नहीं लग रहा है इसमें, आप बंद कर देते हो वीडियो, नहीं पूरी वीडियो देखो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके लिए अगले पार्ट्स में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगी, सो तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, आई विल सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई वीडियो, ताकि एक भी वीडियो जो है ना आप मिस ना कर पाओ। और हाँ, अगर आपको पसंद आई ना ये वीडियो, लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप लाइक मत करना, मैं नेक्स्ट वीडियोस में और कोशिश करूंगी कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ थोड़े और अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।